अपनी मनपसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बेल आइकन को दबाएं। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने अपने अपने इलाके में अमन अमान बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी इस इलाके के बदनाम डाकू गोरा को अभी तक हम गिरफ्तार नहीं कर सके। बड़े शर्म की बात है कि इस काम के लिए गवर्नमेंट को एक स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करना पड़ा।
मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस नाकामी की वजह क्या है। सर, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम में से कोई भी गोरा को नहीं पहचानता। सर, आज तक गोरा का चेहरा किसी ने नहीं देखा। गोरा जब भी कभी डाका डालता है अपना चेहरा कपड़े से छुपाए रखता है। जी हाँ। ऐसे गोरा जहाँ पहुंचता हर चीज उसके कदमों में आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं मारा गया, मैं लुट गया। ओके, थैंक यू। हाँ जी, क्या बात है अमीर चंद जी? अमीर चंद लट गई है, गरीब चंद गई है, करके चंद गई है। लेकिन धीरज रखिए, बात तो बताइए, आखिर क्या है? गोरा डाकू जी चिट्ठी भेजी है, ठीक 11 बजे आएगा मेरी बेटी की शादी के जेवरात और नकदी सारी ले जाएगा। घबराइए नहीं अमीर चंद जी, इस बार गोरा आएगा तो बच कर नहीं जाएगा। एक मिनट। हाँ हाँ, वहाँ पर बाथरूम है, आप जाइए सीधे सीधे सीधे। अमीर चंद जी, शादी से पहले कुछ माल पानी की। हाँ, आप ही का माल है, चलिए ऊपर रूम में बैठकर सब माल आपको दे दें। हाँ। बैठो। बेटा तुम भी बैठो। हाँ, बैठो। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी आज्ञा अनुसार ये देखिए। ये देखिए 50,000 का है, ये देखिए। लाला जी, आपने तो बहुत कुछ कर दिया। लाला जी, लड़की वाले हैं। ठीक है, मैंने भी अपने लड़के पर काफी खर्चा किया। 50,000 रुपए है ये सब कुछ आपने अपनी लड़की को ही दिया है लाला जी? शुक्रिया शुक्रिया। उधर नहीं, किधर? कौन हो तुम? तुम्हारा बाप गोरा। गोरा? मैंने कहा था ना, 11 बजे आऊंगा और माल ले जाऊंगा। सेठ मूलचंद, पुलिस को इतला करके तुम गोरा की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे? अरे ऐसे बैंड वाले हमने बहुत देखे हैं। इंस्पेक्टर साहब जल्दी ऊपर जाइए, गोरा डाकू ऊपर ही है। इंस्पेक्टर साहब इधर कहाँ आ गए? जो दूल्हा बना वही गोरा डाकू है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, मैं मर गया। खोलो, अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, तोड़ दो। अरे मेरा माल गया। देवा, क्या खबर लाए हो? गोरा रात के ठीक 12 बजे चंदाबाई के कोठे पर पहुंचने वाला है। झुमका झूला ले चाहे
बेटा उठा ले, नथनी उड़ा ले, चाहे नैना टकरा ले, पर अंग से अंग नहीं जोड़ू रसिया, कसम तेरी खाई है ना तोड़ू रसिया, कसम तेरी खाई है ना तोड़ू रसिया, झुमका झुला ले चाहे घूंघटा उठा ले, झुमका झुला ले चाहे घूंघटा उठा ले, नथनी उड़ा ले चाहे नैना टकरा ले, पर अंग से अंग नहीं जोड़ू रसिया, कसम तेरी खाई है ना तोड़ू रसिया, कसम तेरी खाई है ना तोड़ू रसिया। चंदा भाई के कोठे पर रात को 12 बजे पुलिस, इसका मतलब साफ है कि हमारे आने की खबर पुलिस को हो चुकी थी, और ये मतलब भी साफ है कि हमारे ही ग्रोह में किसी ने गद्दारी की है जिससे ये नौबत आई है। उस माई के लाल ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाए, इससे गद्दारी जो हमें रोटी देता है, पालता है, जो हमारा अन्न दाता है। गोरा के हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं, कोई इनसे बचकर जा नहीं सकता। जो सबसे ज्यादा वफादारी दिखाता है वही गद्दार होता है। नहीं राम सिंह, हम इन गद्दारों को इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। तो हमारा अपना आदमी है, हाँ, अपने आदमी को इस तरह मारना अच्छा थोड़ी लगता है। ये ले, मेरी जगह ले ले, या अपनी जगह इस दुनिया से खाली कर दे।
मुझे माफ कर दो सरदार, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा सरदार, मुझे जिंदा रहने दो, मुझे जिंदगी की भीख दो सरदार, मुझे जिंदगी की भीख दे दो सरदार। राम सिंह सरदार, सफेद चादर लाओ। हाँ। देवा, मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर, अब ये कोई खबर तुम्हें पहुंचा नहीं सकता। गोरा, गोरा डाकू के नाम से 40 गांव के लोग कांपते हैं सरकार, मेरी मानिए तो आप शहर वापस चलिए। अरे बेवकूफ, हमें पता चला है कि इस गांव में हमारे पुरखों का खजाना छुपा हुआ है। वो खजाना हमें मिल जाए फिर यहाँ कौन रहेगा? सरकार, खजाना ढूंढने के चक्कर में कहीं आप गोरा की गोली का निशाना न बन जाए। सुन, हम यहाँ के ठाकुर हैं और गांव वाले हमारे साथ हैं जी। इनमें आपस में बड़ी एकता है, इसीलिए तो गोरा आज तक इस गांव पर डाका नहीं डाल पाया। सुन, तू ऐसा कर, खजाने के बारे में कुछ मालूमात कर। जो हुकुम सरकार, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा जब तक आपको खजाने का पता नहीं लग जाता तब तक के गोरा को पुलिस कैद करके अंदर ही रखे, बाहर नहीं सरकार। बेवकूफ, चल चल, क्षमा कर। जग्गा, बोल गोरा कहाँ है? जग्गा, बोल गोरा कहाँ है, बोल। थानेदार, गोरा मेरा शागिर्दी नहीं, मेरा बेटा भी है। जग्गा कभी अपने बेटे का अता पता नहीं बताएगा। गोरा को तो हम एक दिन जमीन की जड़ों से भी खींच लाएंगे जग्गा, लेकिन अगर तूने उसका पता नहीं बताया तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। जी, पुजारी को खजाने का ठिकाना मालूम है? उसके बूढ़े बाप को जरूर पता था सरकार, और ख्याल है कि मरने से पहले उसके बाप ने अपने बेटे को जरूर बताया होगा, लेकिन ये पुजारी आपको बताएगा या नहीं बताएगा ये मैं नहीं कह सकता सरकार। उसका तो बाप भी बताएगा। जी, आप ठीक कहते हैं पिताजी। आओ आओ राधा बेटी, आओ। कहाँ जा रही है हमारी लाडली बेटी? मंदिर जा रही है। अच्छा जाओ, सुनो जी, मंदिर में जाकर भगवान से हमारे लिए भी प्रार्थना करना कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। अच्छा पिताजी, जाओ। रघु। जी सरकार। अपने आदमियों से कहो कि पुजारी को उठाकर पहाड़ी पर ले आए। इससे क्या होगा सरकार? हम उससे खजाने का पता पूछेंगे और उसके बाद उसे खत्म कर देंगे। सरकार, लेकिन इससे आपका... बेवकूफ, पुजारी को उठाने और उसे खत्म कर देने का इल्जाम गोरा के सर आएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कौन हो तुम? चलो, गोरा को तुम्हारी जरूरत है। अरे पूजा तो कर लेने दो। अबे चल। कर्पूर गौरम। जी, पट्टी खोल दो इसकी। पट्टी खोल दो, चलो 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 चलो, जल्दी चलो 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 चलो।
ठाकुर साहब आप? तेरी आंखों पर बंधी पट्टी तो हमने खुलवा दी, अब अपनी अकल पर बंधी पट्टी खुद खोल ले तो अच्छा है। कैसी पट्टी ठाकुर साहब? ये लंगड़े बहुत सीधा बनता है। गांव में सिर्फ तू ही एक आदमी है जो ये जानता है कि मरने से पहले राजा ठाकुर ने खजाना कहाँ छुपाया था। बता कहाँ है वो खजाना? उस खजाने पर ठाकुर साहब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्या है हरामजादे? वो खजाना हमारा है, सिर्फ हमारा। पता कहाँ है वो? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा कुछ। बोल हरामजादे, खजाना कहाँ है? बोल। रघु। जी सरकार। इसकी जबान ऐसे नहीं खुलेगी। इस हरामजादे को पेट से लटका दो, नीचे आग लगा दो, भेजा पिघलेगा तो होश में आ जाएगा। जो हुकुम सरकार। चलो रे, चलो चलो, पकड़ो उठाओ उसको। गोरा, गोरा, मेरी तो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्यों देखो? दुश्मनी के बगैर गोरा किसी को नहीं मारता ठाकुर। तुमने हमसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की है, हमारे नाम का नाजायज फायदा उठाया है। बात यह गोरा कि मुझे पुजारी से कुछ हिसाब करना था। मैं तो अपना नाम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। खत्म कर दो इसे। ठाकुर साहब ये फायरिंग कैसी? इंस्पेक्टर, गोरा डाकू अभी यहीं था। मैं अपने आदमियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो पुजारी से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे ललकारा लेकिन वो भाग गया। मैंने उस पर गोली चलाई, उसने मुझ पर गोली चलाई लेकिन वो गोली बेचारे पुजारी को लग गई। पुजारी को लग गई? ठाकुर साहब तफ्तीश के लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। इस अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानात से ये साबित हो चुका है कि मकतूल पुजारी के जिस्म से निकलने वाली गोली ठाकुर रणबीर सिंह के पिस्तौल से चलाई गई थी। लेकिन उनके इस बयान पर यकीन करते हुए कि गोली दरअसल गोरा डाकू पर चलाई गई थी जो गलती से मकतूल को लग गई, अदालत ठाकुर रणबीर सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है। सरदार, मैंने पता कर लिया है कि कृष्णापुर वालों के पास माल तो बहुत है मगर उससे भी बढ़िया खबर है। क्या? सुना है वहाँ की पुरानी गढ़ी के खंडर में कोई खजाना दबा हुआ है। खजाना? हाँ सरदार, कहते हैं वहाँ के राजा ठाकुर के पास कीमती हीरे जौहरात और मोतियों का बहुत बड़ा खजाना था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनके मरने के बाद ये दौलत किसी को नहीं मिली। मशहूर यह है कि ये दौलत आज भी वहीं कहीं छुपी हुई है। किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, मगर गाँव वालों का ये विश्वास है जब भी उन पर कोई मुसीबत पड़ेगी ये दौलत उनको मिल जाएगी। लेकिन गाँव वालों में एकता बहुत है, वो किसी बाहर वाले को गाँव में बसने नहीं देते। हम बाहर वाले नहीं, घर वाले बनकर जाएंगे।
अगर आप वक्त पर ना आ गए ससुरे तो बड़ा अनर्थ हो जाता। किसी अबला की इज्जत बचाना हर इंसान का फर्ज है। गीता का इस दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ है बिचारी। इसकी इज्जत बचाकर आपने सारे गांव पर बड़ा उपकार किया है। जब तक शंकर के बाजू में ताकत है कोई किसी मासूम की इज्जत नहीं लूट सकता। आपके गांव की अनाथ बेटी आज से मेरी बहन है। बहना। भैया कहाँ के रहने वाले हो भैया? बस ये समझो कि पूरी धरती अपना घर है, बस जहाँ शाम हुई वहाँ डेरा लगा दिया। चलता हूँ। ऐसे नहीं जाने दूंगी, आज तुम हमारे मेहमान हो। मेहमान मत बनाओ बहना, कहीं ऐसा ना हो कि इस गांव में अपना घर ही बना लूँ। गांव क्या, तुमने तो हमारे दिलों में ही अपना घर बना लिया है। आज की शाम डेरा कृष्णपुर में ही डाल लो। हाँ रुक जाओ भैया, मुझे भी अपने भाई की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। तुम कहती हो तो रुकना ही पड़ेगा, वरना शंकर की क्या मजाल की अपनी बहना का कहना ना माने। सच तो चलो चलो चले चलिए। वाह वाह मजा आ गया, घर का खाना इतना मजेदार होता आज तक पता ही नहीं था। अच्छा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। रूपा ने बनाया है? वाह, जी चाहता है खाना बनाने वाले के हाथ चूमूं। मैं घी लेकर आती हूँ। आपको गीता के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये लो भैया गरम गरम घी। हाँ ये हुई ना बात, अब मजा आएगा ना। ये तो उल्टा हिसाब हो गया, खाना बनाने वाली ने हमारा हाथ चूम लिया। हाय राम, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है। वाह, पिछले जन्म में डाकू थे क्या? पिछले जन्म में डाकू नहीं, इस जन्म में। डाकू बड़े आए डाकू। कौन है तुम? इंसान हूँ, खुदा की शान हूँ, धरती की आन हूँ, खुद अपनी पहचान हूँ, इस गांव का मेहमान हूँ। नाम नाम चवन्नी बाबा, काम जग यात्रा वो भी पद यात्रा। ये तो हुआ अपना पता और ठिकाना, अब तू बता कौन है तू, क्या नाम है तेरा, कहां से आया है, यहाँ किस लिए आया है, क्या इरादा है, क्या करना है, क्या चाहता है तू, बताता है या नहीं? तू क्या बताएगा, कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ चवन्नी बाबा जानता है। निकाल चवन्नी, नहीं तो छाता उतार दूंगा, निकाल। नहीं खैरात नहीं लेता, किसी भिखारी को दे, मैं तो अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। चवन्नी निकाल। 25 पैसे नहीं चलेंगे? नहीं चवन्नी निकाल। हाँ लगा दे बाते भर। ये लगा ला तिलक। चारा नहीं दे दे बाबा। जहाँ चार पैसे मिले मक्खियाँ बिन बिनाने लगी। ये ले खा जा, निकल जा, कंकर पत्थर खा जा, पहाड़ निकल जा, फिर भी तेरी भूख मरने वाली नहीं, तेरी भूख मरने वाली नहीं। दीदी। मोहन भैया कब से इंतजार कर रही हूँ, सुबह से 10 बार तो गांव के बाहर तक चक्कर लगाई हूँ, कहाँ लगा दी इतनी देर? दीदी मैं क्या बताऊँ, कब का पहुँच गया था, लेकिन मेरी जीप का कार्बोरेटर खराब हो गया। तुम अरे भैया तुम शहर में डॉक्टरी पढ़ रहे हो या इतने बरसों से भाड़ झोंक रहे हो, एक जीप का इलाज नहीं कर सकते? ओहो मैं डॉक्टरी जीप की नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग के इलाज के लिए किया हूँ। अच्छा मोहन,
ये तो बताओ तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? Absolutely first class दीदी, पर्चे इतने अच्छे हुए कि मान लो कि मैं पास ही हो गया हूँ। मैं एक मिनट में आया दीदी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे मोहन को जीवन की हर परीक्षा में पास करना भगवान। मोहन भैया ये चूड़िया किसके लिए? ये दीदी के लिए। और हाँ तुम्हारे लिए वो चोटी ले आया हूँ, जब गंजी हो जाओ तो पहन लेना। बहुत मारूंगी। ओके ओके दूसरा कुछ ले आते हैं। और ये अंगूठी किसके लिए? ये अरे कुछ नहीं ना चेरी, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। दीदी दीदी क्या है, क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही मुझे सता रही। क्यों सता रही है मेरे भैया को? क्यों सता रही है? तुम मुंह हाथ धो लो मोहन, मैं तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी छाछ लेकर आई। ओके ओके मैं जानती हूँ कि दीदी से कहना मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे सुनो, गया अब कहाँ रुकने वाला? अरे मोहन कहाँ गया? पुजारी की दौड़ मंदिर तक और मोहन की दौड़ राधा तक, और कहाँ जाएगा? राधा देख लेगा तो फिर शादी के बाद का काम शादी के बाद कर लेंगे। जी गंदे, लेकिन शादी से पहले का काम शादी से पहले तो कर लें। ये तो करते हैं ना लोग शादी से पहले, कैसा लगा? बहुत अच्छा। डार्लिंग तुमसे दूर रहा नहीं जाता। डॉक्टर बन जाओ तब तक पिताजी भी जेल से छूट जाएंगे। अरे हाँ तुम कब जा रहे हो? परसों। पिताजी से मिलने जेल जाना है, रघु को बुखार है, तुम्हारे साथ चली चलूंगी। ठीक है तो ज्यादा वक्त तुम्हें तुम्हारे घर से पिकअप कर लूंगा, इसी बहाने रास्ते में तुम्हारा साथ तो होगा। साथ तो कल भी होगा। ना 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 दीदी के सामने मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। अरे दीदी कल कुछ भी नहीं कहेगी। क्यों, कल क्या है? भूल गई, कल महाशिवरात्रि है। ओह यस 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 यस, कल भंग घुटेगी और जश्न होगा। शुभ दिन है शिव शंभू का, बोलो जय शिव शंकर। सोच समझ कर पिनर भैया, नशा है बड़ा भयंकर। इतने घाटी उतने छानी, इतने घाटी उतने छानी, मुझको पीनी पड़ गई, मुझको पीनी पड़ गई, पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। नाच रहे हैं झूम झूम के, नाच रहे हैं झूम झूम के, मस्ती इनको लड़ गई, मस्ती इनको लड़ गई, लड़ गई लड़ गई लड़ गई लड़ गई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। झगड़ा वो झगड़ा हो तगड़ा, पिटा दे ये झगड़ा वो बांधे से लगड़ा। ये बूटी बम भोले की, वादा मुखे गोले की, हो तेरे अंदर ये रस घोलेगी, रग रग से ये बोलेगी। ये बूटी बम भोलेगी, वादा मुखे गोलेगी, अंदर ये रस घोलेगी, रग रग से ये बोलेगी। एक छोकरी आंख के रस से, एक छो
ठोकरी आंख के रास्ते दिल के अंदर बढ़ गई, दिल के अंदर बढ़ गई, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई झगड़ा बच ना हो झगड़ा मिटा दे ये झगड़ा ओ मान ले झगड़ा। अचंबा ऐसा देखा कुएं में लग गई आग, मछली बैठ किनारे गाए जाग मुसाफिर जाग रे अब जाग मुसाफिर जाग। झगड़ा झगड़ा हो झगड़ा बिटा दे ये झगड़ा। जय शिव शंकर जय शिव शंकर बूटी सच्ची बाकी सारी दुनिया झूठी। बात अनोखी देखी नदिया नाव में डूबी जाए, बात अनोखी देखी नदिया नाव में डूबी जाए। देख चमन्नी अरे देख चमन्नी देख चमन्नी खोल के छतरी नदिया लू बचाए, अरे मैं नदिया लू बचाए आग कुएं में नदी नाव में, आग कुएं में नदी नाव में। मुझको मुसीबत पड़ गई, मुझको मुसीबत पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई, जल गई जल गई जल गई जल गई। झगड़ा हो झगड़ा बेटा दे ये झगड़ा ओ पांडे दे रगड़ा। हम बोले नाथ की जय।
जहां पड़ा है वहीं पड़ा रह। ये असली घी की मिठाई और पिन्नियां मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई अपने हाथों से। और सुनो सिर्फ तुम ही खाना, अपने दोस्तों को मत खिलाना। लेकिन इतना ज्यादा बनाने की क्या जरूरत थी? और फिर 8-10 दिन में मैं लौट के आ रहा हूँ। अरे तो क्या इतने दिनों तक भूखे ही रहने का इरादा है? अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्यों, क्या हुआ मेरी सेहत को? हट्टा कट्टा तो हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, और डॉक्टर ही हट्टा कट्टा ना हुआ तो रोगी पास नहीं भटकते। हाँ अरे रोगी की चिंता मत करो रूपा, यहाँ तो डॉक्टर होने से पहले ही रोगी पीछे पीछे भागते हैं। रोगी? कौन रोगी? जैसे के प्रेम के रोगी राधा। दीदी तुम मेरी बहन ही नहीं मेरी माँ समान हो। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ। अच्छा भैया अपना ख्याल रखना, संभल के जाना भैया। ओके गीता। बाय दीदी, बाय गीता। अच्छा भैया। चलो। क्या बात है बेटी, रघु साथ नहीं आया? वो बीमार है पिताजी, इसीलिए मैं मोहन के साथ चली आई। आप तो जानते हैं पिताजी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप घर कब आएंगे? जब घर आऊंगा कोरा की मौत साथ लेकर आऊंगा। अंकल कोरा से बदला लेने का इरादा छोड़ दीजिए, वो बहुत जालिम आदमी है। उस जालिम ने बदनामी की जो स्याही मेरे मुंह पर पोती है वो उसी के खून से धुलेगी। टक लगा रखी है, देख लिया रात को भी सोने नहीं देते। कौन है बे? यहाँ किस लिए आया है? क्या इरादा है? क्या चाहता है? हैं? तू यहाँ कैसे आया? क्यों आया? एक बार नहीं हजार बार आऊंगा, ये मेरे बाप दादा की जगह है। तू कौन होता है पूछने वाला? जानता है मैं कौन हूँ? आज मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। चाकू निकालता है। बहुत छाता उतारते हो छाती में, आज मैं ये चाकू तेरी छाती में उतार दूंगा। तू मुझे मारेगा? तू क्या मुझे मारेगा? ये मेरा शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। मार के देख, मार के देख। आत्मा को मारेगा तो परमात्मा तेरे को मारेगा। मार, मार। तू क्या मारेगा? अब तो हथियार आ गया है मेरे हाथ में। आगे बढ़ा तो छाता उतार दूंगा छाती में, तो फिर तू भी मेरी तरह रंग बिरंगी हो जाएगा, समझा? अरे हट हरामखोर, रुक जाओ। शंकर शंकर ये क्या कर रहे हो? ये इससे पूछ कि इससे पूछ के इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? मैं तो सो रहा था। ये इससे पूछो कि ये यहाँ पर इस वक्त क्या कट 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 कर रहा था? ए तू जान की शंकर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं ये पागल है। बड़ा पागल। मैं मूर्ख इतना भी ना समझा कि कृष्ण राधा को बुलाने के लिए खटपट खटपट बंसरी बजा रहा है। क्यों भाई, अपना इस रासलीला में अब क्या काम? चल चल चौधरी बाबा। ए पागल बाबा। हाँ बोल। अपना हथियार भूल गए? लगा दे छाते को छाती में। अब हमसे दोस्ती नहीं करोगे? निकाल चमन्नी, दोस्ती का टैक्स। ओहो ये ले दोस्ती का टैक्स। आजा रे निंदिया, अब तो चवन्नी लेके आ गया। ये पागल लोग भी अजीब होते हैं। देखो तो तुम्हें कृष्ण कह गया और मुझे राधा, लेकिन वो पागल कुछ और भी कह रहा था। तुमने सुना नहीं वो पागल क्या कह रहा था? मैं तो तुम्हें बुला रहा था। मुझे? हाँ। मुझे किस लिए बुला रहे थे बोलो? बताओ। हाय दिया।
हाथ लगाया तो तेरे सारे कपड़े निकाल दूंगा, नंगा कर दूंगा चवन्नी लिए बगैर। अबे हट पागल। पागल तू है, हीरे मोती मत चुरा, तुझसे मैं चुरा लूंगा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा डाकू हूँ। अरे मूर्ख, इसलिए सोच, मेरी बात मान, माँ के गले का हार मत ले, बाप के गले की माला ले ले ले। ये ज्ञान ध्यान ईमान का रखवाला है, इसे खुद प्रभु ने पाला है, इसे कोई नहीं चुरा सकता। ले 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 ले, तू भी मेरी तरह रंग बिरंगी हो जाएगा। अबे भाग यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा। भाग। भागते चोर हैं, हम तो तुम्हारे यार हैं। अरे माला के लोभ में यार पर क्रोध करते हो, सुना नहीं तुमने? काम क्रोध लोभ मोहंकार, इनको काट वजूदों बार। इनसे आती है बदबू, फकीरा आप ही अल्लाह हूँ, फकीरा आप ही अल्लाह हूँ। नहीं समझा? नहीं समझा। हद तेरे की, मेरी भाषा नहीं समझा? नहीं समझता। तो ले, तेरी भाषा में समझाता हूँ। जाता किधर है? चवन्नी निकाल, चवन्नी। कई की मार खाने का टैक, मार खाने का टैक, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ जल्दी, चल चल भाग यहाँ से चवन्नी। जाता कहाँ है? निकाल चवन्नी, निकाल निकाल। दस बीस तीस चालीस। बाबा बाबा बाबा, ले चोनी ले चोनी ले चोनी ले चोनी ले ले बाबा बाबा। डर जाता है? अरे डर, पहले जाता उतार दूं छाती में। हेलो, पकड़ लो इसे, ये जेल से भागा हुआ कैदी है। ये कैदी नहीं है, ये तो मेरा भाई है, सौतेला भी नहीं, सगा भाई। क्यों बे, तू मेरा भाई है ना? ले जाओ इसे। नहीं नहीं पूछ भाई, इसे नहीं ले जाना, मैं अकेला रह जाऊंगा, रो रो के पागल हो जाऊंगा। डाकू है? डाकू है, मुझसे भी बड़ा डाकू। इसने चोरी की है? चोरी की है, इसने चोरी की है। लगा दो हथकड़ी, हाँ बाप का राज है ना, हथकड़ी लगा दो। लगा दी। साथियों, सरदार ने खजाने की जगह का पता लगा लिया है और आज अड्डे पर जश्न होगा। जाएगा ऐसा तीर छोड़ूंगी छूट।
पूछने न पाएगा कैसा तीर छोड़ूंगी, पूछने न पाएगा जन देगी पायल तूफान बच जाएगा, कौन कौन महके में दिल को बचाएगा। धरती के नीचे हो या धरती के ऊपर, कोई भी चीज गोरा से छुप नहीं सकती। तू यहाँ क्या कर रही? चल जा। नहीं नहीं भैया, तुम गोरा नहीं, शंकर भैया हो, तुम मेरे शंकर भैया हो। कह दो भैया कि तुम गोरा नहीं हो। डाकू कभी झूठ नहीं बोलते। खजाना ले जाओ। ये गांव की दौलत है, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। भाई बनकर इतना बड़ा विश्वासघात मत करो, कितना बड़ा धोखा मत दो भैया। हमारे सामने से हट जा कीता, वरना वरना क्या करोगे? मार डालोगे? मार डालो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे शरीर के, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। काश हमने तुझे अपनी बहन ना कहा होता। बहन कहते हुए तुम्हारी जबान जल क्यों नहीं जाती भैया? मुझे तो शर्म आती है कि तुम जैसे बहरुपियों को मैंने अपना भाई बनाया। उस दिन तुमने मेरी रक्षा क्यों की? लूट जाने देते मेरी इज्जत को, मर जाने दिया होता इस अनाथ को, बोलो बोलते क्यों नहीं? ये हाथ, इसी हाथ को उस दिन मैंने राखी बांधी थी। राखी बंधे हाथ बलवान होते हैं, रक्षक होते हैं, सुहागनों की मांगों का सिंदूर नहीं पोछते, बच्चों को यतीम और बहनों को विधवा नहीं करते, डाके नहीं डालते। हम एक डाकू, हमारा नाम गोरा है, डाका डालना हमारा पेशा है। डाकू किसी रिश्ते नाते को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्या डाकू इंसान नहीं होता? किसी का भाई नहीं होता? किसी की माँ की कोख से जन्म नहीं लेता? सरदार पुलिस चलो। नहीं भैया, छोड़ चल हट। भैया रुक जाओ भैया, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं प्यार की सौगंध, बहनों का कहना मान लो भैया। नहीं भैया नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ भैया, भगवान के
उत्तम वो देखो सरदार की महबूबा, भोला उठा ले इसे भी, चल। ये देखो असली हीरे, असली मोती, असली सोना, क्या लंबा हाथ मारा है, समझ लो इससे हम सब की तकदीरें खुल गई हैं। बेटो ऐश करो और अपने सरदार को दुआएं दो। सरदार की जय, सरदार की जय, देख तो सही कैसे कैसे नग जड़े हुए हैं इसमें, देख तो सही। कसम भवानी की ऐसा भरपूर हाथ मारा है कि साल दो साल की छुट्टी। गोरा अपने मुबारक हाथों से इन सब का हिस्सा बांट दे। हिस्सा बटेगा राम सिंह, लेकिन गांव वालों में। गांव वालों में? अरे समझा करो यार, आज हमारा सरदार मजाक के मूड में है। नहीं, ये गांव वालों की अमानत है, मेहनत है, उनका विश्वास है, और मैं इसे वापस लौटाने जा रहा हूँ। ठहर जा गोरा, ये आज तुझे क्या हो गया? ये बैकी बैकी बातें क्या कर रहा है? ये गांव वालों का माल है, उनकी मेहनत है, उनका विश्वास है, उनमें बटेगा, ये बातें तेरे मुँह से अच्छी नहीं लगती। ये क्यों भूल गया है कि तू गोरा है जिसके फौलादी सीने से टकरा कर बंदूक की गोलियां लौट जाया करती थी? प्यार के धागे से कट गया। इसका मतलब यह हुआ कि लूटने वाला आज खुद लुट के आया है। इस लूटने में कितनी जिंदगियां हैं तुझे क्या मालूम राम सिंह? आज से हमारा रास्ता अलग है। नहीं, तू रास्ता नहीं बदल सकता। क्या मतलब? तुझे हम में रहकर जीना पड़ेगा। पर इन्होंने क्या नहीं किया तेरे लिए? तेरे इशारों पे चले हैं, कदम कदम पे मौत से खेले हैं, ये कुर्बानियां दी हैं, जिंदगी से खेले हैं, और फिर हमने तुझे इज्जत दी है, मान दिया है, तुझे अपना सरदार बनाया। कोई किसी को सरदार नहीं बनाता राम सिंह। सरदार खुद बन जाते हैं। तेरा वो दौर भी खत्म हुआ गोरा, तेरे दांत उखड़ चुके हैं, तेरे पंजे टूट चुके हैं, तू हमारा सरदार बनने के लायक ही नहीं रहा। रखे माल राम सिंह, राम सिंह जिंदाबाद, राम सिंह जिंदाबाद। गोरा माल तो क्या, अब तू अपनी जिंदगी भी वापस नहीं लेकर जा सकता, चारों तरफ से घिर गया है, तू अकेला है, मेरे पास ताकत है, लोग हैं, हथियार हैं, तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? मेरे पास सच्चाई है। अरे दुनिया भर का अंधेरा मिलकर भी एक नन्हे से दियो को नहीं बुझा सकता। Yeah.
उस दिन तूने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मैं तेरी जान बख्श रहा हूं। राम सिंह, आज के बाद अगर तूने कृष्णापुर की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। ठाकुर? हाँ, ठीक पहचाना, लेकिन आज मैं ठाकुर नहीं, तेरी मौत बनकर आया हूँ। गोरा? गोरा नहीं, नहीं। आज मैं गोरा गोरा नहीं रहा, इंसान बदल चुका है। अच्छा? 900 चूहे खाके बिल्ली हट कर चलिए, रत्नाकर वाल्मीकि बन गया है या विश्वामित्र मेनका को लिए घूम रहा है? ठाकुर, रूपा कृष्णपुर की बेटी है और यह खजाना कृष्णपुर का है, और मैंने कसम खाई है कि रूपा और यह खजाना गांव वालों को वापस लौटाऊंगा। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं सच बोल रहा हूँ। गोरा, सच तो यह है कि मैंने पूरा 1 साल जेल में काटा है, तुझसे बदला लेने के लिए मैं 1 रात चैन से नहीं सोया। कैसा बदला ठाकुर? धोखा तो तूने मुझे दिया था, खूनी तुम हो, सजा भी तुम्हें ही मिली। सजा तो मैं पा चुका बच्चे, आज तो एक खतरनाक डाकू का खून करके सरकार से इनाम पाऊंगा और साथ ही साथ ये लाखों का खजाना भी। इसे कहते हैं 1 तीर से 2 शिकार। रूपा, अभी तो मैं सुहागन भी नहीं बन पाई शंकर, नहीं। मैं जा रही हूँ शंकर। रामजादे कुत्ते, तूने मेरी रूपा का खून कर दिया। ठाकुर साहब, ये गोलियां किसने चलाई? वो गोरा डाकू ने। गोरा डाकू? कहाँ है गोरा डाकू? ओह, देखो रूपा को भी मार के भाग गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर इस मासूम बच्ची को बचा नहीं सका। ये तो आप वक्त पर आ गए, वरना वो तो मुझे भी। जान तो बच गई है, लेकिन होश आने में कुछ देर लगेगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके। जैसे उन्हें होश आ जाए पुलिस में बयान लिखवा दीजिए। फिलहाल ये रहा मेरा कार्ड। अच्छा। अगर मेरी जरूरत पड़े बुला लीजिए। ओके। मोहन। क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मोहन, रूपा दीदी और गीता को। हाँ हाँ, क्या हुआ उन दोनों को? उन दोनों को गोरा डाकू ने मार डाला। गोरे का पता नहीं उसके पाप का घड़ा कब भरेगा और कब तक हमें जुल्म सहने पड़ेंगे उसके।
इस जलती हुई चिता की कसम, जब तक तेरे कातिल के खून से अपने माथे पर तिलक नहीं लगाऊंगा, चैन से नहीं जीऊंगा। सरकार, गोरा की लाश किसी को नहीं मिली, शायद जानवर खा गए। क्या बकवास करते हो, इस गांव के इलाके में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इंसान की लाश को खा सके। तब फिर किसी चट्टान के नीचे दब गई होगी या घने झाड़ के अंदर फंस गई होगी। देखो रघु जी, जब तक हमें गोरा की मौत का यकीन नहीं हो जाता, तब तक हम कोई राज फाश नहीं कर सकते। लेकिन यकीन होने का रास्ता क्या है सरकार? मोहन जी, मोहन, एक ऐसा रास्ता है जो हमें गोरा की मौत के यकीन के साथ साथ लाखों रुपए का फायदा भी करा सकता है। में आग बरसा रहे हो सर, अपनी हालत तो देखो, सारा गांव तुम्हारी बातें कर रहा है। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं, जब तक इन बोतलों की तरह गोरा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े न कर डालूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए कोई बेचैन है, इसका बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें? मुझे ख्याल है तो सिर्फ इस बात का कि जब तक गोरा नहीं मरेगा, तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और जब तक उसे शांति नहीं दिला देता, किसी भी चीज का ख्याल करना हराम है मुझ पर। तुम किसी का ख्याल मत करो, लेकिन किसी को अपना ख्याल तो रखने दो। तुम्हें कुछ हो गया तो गोरा से बदला लेने के लिए तुम्हें तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है मोहन। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं खुद सारे गांव में मिठाई बांटूंगी जिस दिन तुम गोरा से बदला लोगे। मोहन बाबू, मोहन बाबू जी नमस्ते। क्या बात है? आपको ठाकुर साहब ने जल्दी से बुलाया है। मोहन, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, हर आदमी की जबान पर तुम्हारी दीवानगी की चर्चे। मेरी दीवानगी का एक ही इलाज है गोरा। तुम क्या समझते हो गोरा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा लो मोहन अपना बदला पूरा कर लो? जिन पहाड़ियों में पुलिस के सैकड़ों सिपाही उसे ढूंढ नहीं पाए, उन पहाड़ियों में तुम उसे ढूंढ लोगे? आप ही बताइए अंकल, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, एक ही आवाज एक ही नाम मेरे दिमाग में गूंजता रहता है, गोरा गोरा गोरा। लेकिन बेटे, शेर को फांसने के लिए बकरी का चारा बांधना पड़ता है, शिकारी को फांसने के लिए जाल डालना पड़ता है, ऐसा जाल वो कौन सी चाल, वो कौन सी बात ऐसी हो सकती है जो गोरा को अपने बिल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दे? तुम्हारी और राधा की अगर मैं शादी कर दूं तो? ना ना ना, ना। इससे काम नहीं चलेगा, गोरा का गिरोह टूट चुका है, पता नहीं अब तक वो अपने साथी जमा कर पाया है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गोरा के नाम पे कोई दूसरा डाका डाल जाए। That's it. वही एक तरीका है गोरा को अपने बिल से निकालने का। तुम्हारी और राधा की शादी? ना ना ना, डाका डालना, गोरा बन के डाका डालना, गोरा उस डाका डालने वाले को मारने जरूर आएगा। बात में दम तो नजर आता है, लेकिन बेटे डाका डालेगा कौन? मैं डालूंगा। क्या? मैं डालूंगा डाका, गोरा बन के डाका मैं डालूंगा। बधाई हो हकीम ताराचंद जी। अरे ताराचंद जी को एक बधाई नहीं, दो दो बधाई है दो शर्मा जी। दो बधाइयां? हाँ, एक तो इनके यहाँ लड़का पैदा हुआ और फिर वो भी इस उम्र में। देखिए मैं क्या चीज हूँ, ये तो सब ऊपर वाले का ही चमत्कार है। ये चमत्कार तो ठीक है, लेकिन दूसरा चमत्कार कहाँ है? दूसरा चमत्कार? ओ समझा, आपका मतलब वो देखिए वो सबको
कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं। तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया। जब से तुम गए हो मैं तुम्हारी सलामती की दुआएं कर रहा था। सरकार! कौन है? सरकार! रघु, रघु, रघु! सरकार, एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन बाबूजी से मिलना चाहता है। से? जी। ऐसा करो, ये कपड़े यहीं छोड़ दो और माल, हाँ, माल इसे मुझे दे दो। तुम जाकर देखो इंस्पेक्टर क्या चाहता है। मोहन आप ही का नाम है? जी हाँ। चार घंटे से आपकी तलाश कर रहा हूँ। किसी ने बताया आप यहाँ मिलेंगे। कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आपको शहर के हॉस्पिटल चलना होगा। क्यों? पूछताछ के लिए। आप एक आदमी को जख्मी हालत में छोड़ के आए थे, उसे होश आ गया है, कुछ पूछना है। फिक्र नहीं कीजिए, आप रात तक वापस लौट आएंगे। आइए मेरे साथ। चलिए। अब कैसी तबीयत है? घबराने की कोई बात नहीं, तुम बच गए हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम बोलते क्यों नहीं? कौन हो, कहां के रहने वाले हो? तुम पर गोली किसने चलाई? कुछ याद नहीं। आइए, इस बारे में इसे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो क्या ये अपनी याददाश्त खो चुका है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी हालत में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ओ हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर मोहन। हाँ? मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि ये आदमी इस हालत में आपको कहाँ पर मिला? मैं शहर से कृष्णपुर अपने गांव जा रहा था कि रास्ते में जख्मी हालत में आदमी मुझे मिला। आप क्या समझते हैं इसे गोली किसने मारी होगी? इसके बारे में कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर। थैंक यू मिस्टर मोहन, दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। घबराइए मत, जो जिंदगी देता है वो उसकी रक्षा भी करता है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम कृष्णपुर के रहने वाले हो? हाँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको जख्मी किसने किया? पता नहीं, मेरा ख्याल है गोरा डाकू ने आप पर गोली चलाई होगी। गोरा ने? हाँ गोरा ने, उसी जालिम ने हमारे गांव पर डाका डाला, मेरी दीदी को उठाकर ले गया। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? रूपा। अगर तुम्हें गोरा मिल जाए तो? खून पी जाऊंगा उसका। अपनी दीदी की मौत का बदला लिए बगैर मैं यमराज को भी उसे छूने नहीं दूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मोहन। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं एक ना एक दिन तुम्हें गोरा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे ये सब क्या हुआ? अरे ये सब तुम्हारी स्कीम का नतीजा है। हाय, जालिम ने बुरी तरह से पिटाई की सरकार की। कौन आया यहाँ?
अरे गोरा ने और किसने? गोरा वो यहाँ आया था। अरे ऐसे आया कि हमारी पिटाई के साथ साथ सरकार का भी बाजा बजा गया। चोरी के जेवरों के साथ साथ तिजोरी में से 50,000 भी निकाल के ले गया। ये तो अच्छा हुआ कि राधा बेटी शाम से मंदिर गई थी। अगर वो यहाँ होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। गोरा यहाँ तक आकर निकल गया, काश मैं यहाँ होता। अरे उसने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा तुमने उसके नाम का फायदा उठाने की कोशिश की तो बहन की चिता के साथ साथ भाई की चिता भी जल जाएगी। मोहन बेटे वो बड़ा खतरनाक आदमी है, तुम अपना बदला बदला भूल जाओ। नहीं अंकल, मैं गोरा बन के दूसरा डाका जरूर डालूंगा और ये खबर चारों तरफ फैला दी जाए कि ये डाका कब और कहां पड़ेगा, ताकि गोरा अपनी चेतावनी पूरी करने के लिए मेरे सामने आ जाए। अरे वाह मालिक वाह, क्या खूब चाल चली है आपने। गोरा के मौत का यकीन भी हो गया और पहले डाके का माल भी अंदर हो गया। अबे गधे, दूसरे डाके का माल भी अंदर ही समझो। क्या समझे? तुम डाका नहीं डालोगे मोहन। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। देखो राधा, मेरे कर्तव्य के रास्ते में मत आओ। तुम कर्तव्य के नाम पे अपने आप को ऐसी दलदल में फंसा रहे हो जिसका नतीजा सिर्फ लोहे की सलाखें और जेल की चक्की। मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन मुझे है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा कोई अधिकार है तुम पे? अधिकार के नाम पर एक जीती हुई बाजी हारने के लिए कह रही हो, जानती हो तुम? लेकिन इसी में हम दोनों की भलाई है। तुम मुजरिम बन रहे हो मोहन, एक डाकू एक हत्यारे बन रहे हो, जिससे मैं ही नहीं तुम्हारी स्वर्गवासी बहन की आत्मा भी खुश नहीं होगी। मेरी बहन की आत्मा की सच्ची खुशी है गोरा की मौत, और गोरा की मौत के लिए उसकी चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब देना होगा, जो मैं दूंगा। तुम्हें मेरी सौगंध? मत देना अपनी सौगंध मुझे, वरना तुम्हारी सौगंध मैं उसे भी तोड़ दूंगा। अगर तुमने अपनी मंजिल का यही रास्ता चुना है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। गुड मॉर्निंग सर, ये क्या बदतमीजी है? खोल दिया छाता, उतार दूं छाती में। अंदर है टकसाल, बाहर पहरेदार। बोल मेरी चवन्नी कहाँ छुपाई है? कौन सी चवन्नी? बता, वरना तेरी मौत आई है। मौत? हाँ, चवन्नी बाबा की चवन्नी जो पी जाए उसे हैजा हो जाए। हैजा? निकाल चवन्नी, नहीं देता तो मैं खुद ले लेता हूँ। ये पुलिस स्टेशन है, अंदर कहाँ जाता है? भाड़ में, भाड़े के चट्टू, चवन्नी दबा कर बैठ गया है न कट्टू। खड़ा होकर बात कर। अरे खड़ा तो हूँ। देख लिया, कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पते लटकाए फिरते हैं, पर दुनिया की सब चवन्नियों को जेबों में छुपाए फिरते हैं। निकाल चवन्नी। अरे रुक जा, पगला कहीं का, कहां जा तब का? रुक जा। रुकना मेरा काम नहीं, चलना मेरी शान। चल चल ले ना जवान। सर ये पागल बगैर खड़ा हो गया। पागल तू है, पागल सारा संसार है, पागल के पीछे दो पागल, पागल के आगे दो पागल, बोलो कितने पागल। बाहर जाओ। बाहर जाओ बीरबल, तुम बाहर जाओ। मैं सर? हाँ, तू समझदार है, होशियार है, इसलिए थानेदार है। निकाल चवन्नी, नहीं तो छाता छाती में उतार दूंगा। हाँ, 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 नहीं निकाली ना। चलो बाहर चलो। चलो बड़ा बे हो मेरे। सर, आपके पास मैं मैसेज भेजने वाला था, आज शाम के गाड़ी से आपकी धर्मपत्नी आ रही है। तुम उन्हें रिसीव कर लो। यस सर। और उनसे कहना कि फुर्सत मिलते ही मैं उनसे मिलने आऊंगा। अच्छा। और सुनो, आज से दीनानाथ की बेटी की शादी है। यस सर। और खबर गर्म है कि गोरा डाकू आने वाला है। ओह। पुलिस का अच्छी तरह से इंतजाम कर दो, आज गोरा डाकू बच के नहीं जाना चाहिए।
हाथों में वो चीज नहीं है लाखों में जो नशा है तेरी आंखों में इन आंखों को आशिक शराब कहे तो इन आंखों को आशिक शराब कहे तो तेरे गालों को खिलता गुलाब कहे तो गरा वारा निकम्मा जनाब कहे तो गरा वारा निकम्मा जनाब कहे तो हम जो आशिक को खाना खराब कहे तो इन आंखों को आशिक शराब कहे तो मेरी रातों में तू मेरी बातों में तू मेरी नींदों में तू मेरी आंखों में तू मेरी बातों में तू मेरी नींदों में तू मेरी आंखों में तू मेरी हर धड़कन में है तू है मेरी सांसों में तू तुझे अपनी जवानी का ख्वाब कहे तो तुझे अपनी जवानी का ख्वाब कहे तो तेरे गालों को खिलता गुलाब कहे तो गरा वारा निकम्मा जनाब कहे तो है क्या तुझे है परे भी है तेरी भी जात है क्या
जवानी में फकीरी रंग भर दूं मैं। ये बात तो उम्र भर की एक नजर में भंग कर दूं मैं। जिस पे नाज करती है ये दो दिन की जवानी है। अरे बूढ़े अरे फुर्सत जवानी फिर जवानी है। मैं चकना चूर कर दूंगा न लेना मुझसे टक्कर। मसल कर फेंक दूंगी मैं अरे पकड़ घन चक्कर। ये राका शाका धर्मा कर्मा है सब मुझसे डरते। तेरे ये डाकू शाकू सारे मेरा पानी भरते। तू इतनी अकड़ दिखाती है पुलिस को मैं बुलवाऊं। तेरे सब पुलिस वालों को बोल के मैं पी जाऊं। मैं पल भर में उतारूंगा जो मस्ती है चढ़ी तुझको। बता दूं क्या तुम्हें मौका मिला जो दो घड़ी मुझको। मैं इस मौके से पहले ही लगा दूं हथकड़ी तुझको। लगा दूं हथकड़ी तुझको। लगा दूं हथकड़ी तुझको। चवन्नी वाला बाबा उर्फ एसपी देश पांडे। गोरा की नकाब के पीछे तुम्हारा चेहरा देखकर हम ये तो समझ गए थे कि बहन के बदले के जोश में आकर तुमने ये गलत कदम उठाया है। लेकिन अब हम ये पूछना चाहते हैं कि सोनापुर के बनिए के घर में डाका किसने डाला था? मैंने। लूट का माल कहाँ है? गोरा ले गया। कब? परसों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त मैं गांव में नहीं था, वरना अब तक गोरा का क्रियाक्रम हो चुका होता। माल कहां रखा था? ठाकुर साहब की हवेली में। गोरा ने उन्हें मारा पीटा और धमकी दी कि दोबारा उसके नाम से डाका डाला गया तो जान से मार डालेगा। इसीलिए तुमने दोबारा डाका डाला? हाँ। तुम जैसा नौजवान ऐसी बेवकूफी करेगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी बांध ली है। तुमने अपना फ्यूचर अपना कैरियर सब दांव पर लगा दिया है। तुमने डाका डाला माल लूटा। पुलिस का ये रिकॉर्ड जिंदगी भर तुम्हारे नाम पर काला धब्बा बनकर लगा रहेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन मुझे है। इस देश के हर उस आदमी को है जो अपने खून की आखिरी बूंद देकर भी इस देश में अमन और शांति रखना चाहता है। यह तुम्हारी गलत फहमी है।
कि तुम जुर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए हथियार उठा रहे हो, बल्कि दरअसल तुम खुद जालिम और अत्याचारी बनते जा रहे हो। बी केयरफुल इन फ्यूचर यंग मैन। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई खबर? सर, हेड ऑफिस से यह फाइल आपके लिए भेजी गई है। क्या है इसमें? गोरा का साथी जग्गा जेल से भाग गया है, क्योंकि आप गोरा का केस हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए यह फाइल आपके लिए भेजी गई है सर। इस मुकदमे में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर यह अदालत मुल्ज़िम जग्गा को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। जग्गा से दुश्मनी मोलकर अच्छा नहीं किया, इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। ले जाओ इसे। चलो। पति इंस्पेक्टर से कह देना कि दुनिया में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो जग्गा को रोक सके। अब वो सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए तरसेगा। चुप चुप चुप, हट जा। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? कुछ नहीं इंस्पेक्टर नितिन। यस सर। इस फोटो की कॉपियां करवाकर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। यस सर। पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखो। हम हर कीमत पर जग्गे को पुलिस के कब्जे में देखना चाहते हैं। बकवास बंद कर। गोरा शेर है और शेर जंगल में अकेला ही राज करता है। काका तुम? बेटे आ मेरे शेर, मैं तेरा ही नाम ले रहा था। तू कब छूटा? अभी जेल तोड़ के आ रहा हूँ। तू कहाँ गया था? अस्पताल में जख्मी था, जैसे ठीक हुआ भाग कर आ गया। बहुत अच्छा किया, नया ग्रुप बनाएंगे, तहलका मचा देंगे। नहीं काका, ये जिंदगी तहलका मचाने के लिए नहीं है, बदला लेने के लिए भगवान ने बनाई है। बदला? किससे बदला? उस हरामजादे से जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार का कत्ल कर दिया, मुझे जख्मी कर दिया। उसके सारे शरीर पर जख्मी जख्म होंगे। एक बार उस कुत्ते का नाम बता दे मुझे। नहीं, ये मेरा बदला है, मैं उसे खत्म करूंगा। बोल उसका नाम क्या है? उसका नाम है ठाकुर रणवीर सिंह। कमाल ही कर दिया एसपी साहब आपने, कमाल ही कर दिया। कई बार मैंने आपको चवन्नी वाले बाबा के रूप में देखा, मगर मैं ये शक नहीं कर सका कि वो आप ही होंगे। लेकिन आपकी वजह से मुझे अपना बहरूप छोड़ना पड़ा। मेरी वजह से? जी हाँ। अगर आप मोहन को गोरा बनकर डाका डालने के लिए ना कहते तो असली गोरा के पकड़ने तक मैं चवन्नी वाला बाबा ही बना रहता। आपको गलतफहमी हो रही है एसपी साहब, मैंने मोहन को गोरा बनने के लिए नहीं कहा, यह उसका अपना फैसला था। आप पुराने खिलाड़ी हैं, तजुर्बेकार हैं, आपको मोहन को यह गैर कानूनी काम करने से रोकना चाहिए था। अरे बहुत रोका एसपी साहब, पर आप तो जानते हैं आजकल के नौजवानों को, जो सोचते हैं वही करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मोहन कह रहा था कि लूट का माल उसने आपके यहां रखा है। जी हाँ, मेरे पास था, लेकिन गोरा ने मुझे और मेरे आदमी को मारा पीटा और माल लेके चला गया। चलो एक बात तो पक्की हो गई। वो क्या? वो ये है कि या तो गोरा आपकी बहुत इज्जत करता है या आपसे बहुत डरता है।
क्यों मजाक करते हैं अजफी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है भला? गोरा एक खूंखार डाकू है, आदमी को जान से मार देना तो उसके लिए ऐसे है जैसे सुबह की चाय पी लेना। फिर भी मंदिर के पुजारी की मौत के वक्त, रूपा की मौत के वक्त और आपके घर आकर लूटा हुआ माल ले जाते वक्त भी उसने आपको गोली नहीं मारी, तो आपके साथ ये खास रियायत क्यों? आप कहने क्या चाह रहे हैं एसपी साहब? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं तो दोहरा रहा हूं जो हुआ है। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं? बड़े भाग्यशाली हैं आप, ये इत्तेफाक आपकी जिंदगी में 3 बार हुआ है। सर प्लीज सर। यस सर, खबर मिली कि जग्गा डाकू इस वक्त चांदीवड़ी में है। जग्गा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जग्गा, मैं फिर कहता हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम यहां से जिंदा। जग्गा, 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 पहचाना मुझे? मुझे जग्गा, मैं वही इंस्पेक्टर देश पांडे। इंस्पेक्टर देश पांडे, आज से 30 साल पहले तू मेरे घर से मेरा बेटा उठाकर भाग गया था, कहां है वो बता दे मुझे जग्गा। देख जग्गा, तूने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, इस जाते वक्त एक पुण्य करता जाएगा तो शायद तेरे पापों का बोझ हल्का हो जाएगा। बता दे मुझे मेरा बेटा कहाँ है जग्गा। गोरा डाकू, गोरा डाकू ही तो तुम्हारा बेटा। ओह नो, ओह गॉड, नो, नहीं, नहीं, इतना बड़ा अन्याय भगवान हमारे साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अन्याय तो हो चुका है शांति, आप धीरज रखो। याद है जब हमारा बेटा छोटा सा था तो एक जोशी ने उसका हाथ देखकर कहा था कि ये बड़ा होकर बड़ा बहादुर बनेगा, बड़ा निडर निकलेगा। सोचा था पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है, इंस्पेक्टर बनेगा, बड़े बड़े मुजरिम इससे डरेंगे। लेकिन आग में जो कुछ एसपी देशपांडे, तुमने जग्गा को नहीं मेरे बाप को मारा है। कल का सूरज दो इंसानों की लाशें देखकर डूबेगा, एक ठाकुर की और दूसरी तुम्हारी। गोरा, क्या है ये? बेटे का तोहफा है बाप के लिए। क्या? नहीं, नहीं। आप उसे खबर कर दीजिए, उसके असली पिता आप हैं, वो हमारा बेटा है, कर दीजिए ना खबर। शांति, जिस बात को तकदीर ने अभी तक छुपा रखा है वो उसी वक्त खुलेगी जब तकदीर चाहेगी। तकदीर को बदलना होगा राधा, वरना भगवान और धर्म से मेरा विश्वास उठ जाएगा। गोरा ने धमकी दी है कि आज सूरज डूबने से पहले वो पिताजी और देश पांडे को खत्म कर देगा।
आज का सूरज उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक मैं गोरा के सामने नहीं पहुंच जाता। सूरज डूबने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। हवेली की चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गोरा बात का धनी है, आएगा जरूर, लेकिन आज उसने गलत आदमी को चैलेंज दे दिया है। Yes. आप चलिए, मैं आता हूं। Yes, sir. हमारा रिवॉल्वर कहां है शांति? जो चीज बेटे का खून बहा सकती है माँ उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? हमारी पत्नी होकर आप बुजदिली की बात कर रही हैं। ये पत्नी नहीं, माँ बोल रही हैं। माँ बाद में बनी हैं, पहले हमारी पत्नी हैं, और एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की पत्नी जो सैकड़ों मुजरिमों को सजा दिला चुका है। वो मुजरिम मेरे बेटे नहीं थे। लेकिन वो भी तो किसी न किसी माँ के बेटे थे। ये लड़ाई खून की नहीं, रिश्ते की नहीं, ये लड़ाई है जुर्म और कानून की। कानून के सामने ममता की झोली फैलाकर खुद को छोटा ना कीजिए। इज्जत और गैरत का जो नाम आपके पति ने कमाया है उसे रिश्ते और खून की भेंट मत चढ़ाइए, क्योंकि रिश्ते खत्म हो जाते हैं, खून मिट जाता है, लेकिन याद रह जाता है इंसान का काम और उसका नाम। आप जिस नाम और काम की बात कर रहे हैं वो मरने के बाद याद किया जाता है, और जिंदगी मरने के बाद के लिए नहीं जी जाती। औलाद माँ बाप की आंख का तारा होती है, उसका नाम रोशन करती है, उसके बुढ़ापे की लाठी होती है। इस सच्चाई को हमारी जिंदगी का सदमा बनाने वाला कौन है, आपका नाम या आपका काम? इसे तुम मेरा फर्ज कह सकती हो या मेरी वर्दी? आज ये वर्दी बरसों बाद मिलने वाले मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है, चोर डाकू हत्यारा कहकर उसे खत्म करना चाहती है। उस वक्त ये वर्दी कहाँ थी जब इसकी वजह से मेरा मासूम बेटा मुझसे दूर हुआ था? क्यों नहीं हिफाजत की इसने मेरे बच्चे की? आप इसे अपना फर्ज समझते हैं ना? मैं कहती हूँ ये वर्दी है जिसने मेरे बेटे के हाथों में बंदूक दी है, ये वो वर्दी है जिसने मेरे बेटे को डाकू हत्यारा बना दिया है। भगवान के लिए दूर कर दीजिए अपने आप से इस वर्दी को, जिसकी वजह से एक बार बेटा दूर हुआ था और दूसरी बार अपने बाप के हाथों से मारा जाएगा, मारा जाएगा। शांति, ओ शांति, चुप हो जाओ शांति। ममता का तूफान तुम्हारी जबान से उमड़ पड़ा है तो उसका ये मतलब नहीं कि बाप की मोहब्बत से मेरा सीना खाली है। तुम्हारी आंख का तारा तुमसे दूर हो गया, तुम रो पड़ी, रोया मैं भी था, खून के आंसू, लेकिन आज तक तुम्हें दिखाई नहीं दिए। बुढ़ापे की लकड़ी खोकर अगर तुम लड़खड़ा रही हो तो मैं भी ठीक तरह से खड़ा नहीं रह सका। माँ बाप का नाम औलाद रोशन करती है, ये बात तुम अपनी जबान से कह सकती हो, मगर मैं इस बात को अहमियत देता आया हूं और हमेशा कहता आया हूं कि अगर कुछ याद रह जाता है तो इंसान का नाम, इंसान का काम। वक्त बहुत कम है, फैसला तुम्हारे हाथ है। फर्ज पर जान देने वाले अपने सुहाग का साथ दोगी या वक्त की गर्दिश के बनाए हुए हथियारे बेटे का? Thank you.
भगवान, मैं किसकी रक्षा की भीख मांगू? एक तरफ मेरा सुहाग है और दूसरी तरफ मेरा बेटा, मेरी तो दोनों तरफ हार ही हार है। हमारी जिंदगी तुम्हारी अमानत है, तुम चाहो तो हमारी जान ले सकते हो, लेकिन हमें एक मौका जरूर मिलना चाहिए ताकि हम रूपा के कातिल को खत्म कर सकें। मेरी बहन का खून गोरा ने किया है। अगर हमने तुम्हारी बहन का खून किया होता तो हम जख्मी हालत में तुम्हें रास्ते पर न मिलते। हाँ, तुम्हारी बहन एक ऐसी देवी थी जिसने हमारी आंखों से जुल्म की पट्टी हटाई, इस पत्थर को फूल बना दिया, और जब हम गांव वालों का खजाना लेकर गांव वालों को वापस देने जा रहे थे, ठाकुर की पहली गोली ने रूपा की जान ले ली और दूसरी ने हमें जख्मी बना दिया, लेकिन वो खजाना आज भी उस पत्थर के नीचे छुपा हुआ है। अगर ठाकुर ने यह काम किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मोहन, तुम ठाकुर का खून नहीं करोगे। वैसे तो हमने बड़े खून किए हैं, लेकिन ठाकुर का खून हमारी आत्मा की शांति होगी। मैंने कसम खा रखी है, अपनी बहन के कातिल के खून का तिलक अपने माथे पर लगाऊंगा। तुम्हारी कसम जरूर पूरी होगी और तुम तिलक जरूर लगाओगे। हवालात से भागकर तुमने एक जुर्म और अपने नाम लिखवा लिया है। इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मुझे जाने दीजिए। गोरा ने मुझे बताया कि मेरी बहन का कातिल ठाकुर है। क्या ठाकुर? हाँ। गोरा कहाँ है? पुलिस का सायरन सुनते ही वो भाग निकला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ठाकुर के खुफिया अड्डे पर जरूर पहुंचेगा। ठाकुर का खुफिया अड्डा तुम जानते हो कहाँ है? हाँ, मैंने ठाकुर के लिए काफी डाके डाले, मैं जानता हूँ उसका खुफिया अड्डा कहाँ है। उन दोनों कमीनों की मौत ही मेरी जिंदगी है। एक गोरा, दूसरा कौन ठाकुर साहब? एसपी देशपांडे, उसे मुझ पर शक हो गया है, और शक यकीन की हद तक पहुंचे तो शक करने वाले को खत्म कर देना चाहिए। सुनो, Thank you.
तुम लोग चारों तरफ नजर रखो। फरमान सिंह। जी हुजूर। दुश्मन को देखते ही उसे गोलियों से भून दो। जो हुक्म सरकार। अच्छा, बंदूक उन हाथों में दी जाती है ठाकुर, जिन हाथों में बंदूक संभालने की ताकत हो। मोहन बेटे, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। गोरा भी यहाँ जरूर आएगा और इस तरह तुम्हें तुम्हारी बहन का कातिल मिल जाएगा। मेरी बहन का कातिल मेरे सामने खड़ा है। ये क्या कह रहे हो मोहन? मेरी भला तुम्हारी बहन से क्या दुश्मनी थी? वो तो गोरा ने मुझे सब कुछ बता दिया ठाकुर। तुम राधा के पिता हो, मैंने तुम्हें मान दिया, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरी बहन का कत्ल कर दिया, मुझसे डाके डलवाए। तुम्हें धोखा हुआ है मोहन। मैं याद कर ले अपने भगवान को आखिरी बार ठाकुर, आज तुम्हारे सारे पापों का अंत होने वाला है। बस बस डॉक्टर साहब बस। सुना था गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तुम्हें तुम्हारी मौत जेल से यहाँ ले आई है। आज तुम्हारी मौत निश्चित है ठाकुर। फिलहाल तो दाव पर तू है बच्चे। पिताजी, रुक क्यों गए? चलाइए गोली। सामने से हट जा राधा। नहीं हटूंगी, चलाइए गोली और दिखा दीजिए दुनिया वालों को कि खुदगर्जी और लालच में एक बाप अपनी बेटी का खून भी कर सकता है। ये मत भूलो राधा कि तुम्हारे बाप को कत्ल करने आया है। किस बाप का? वो बाप जिसने मंदिर के पुजारी की जान ले ली, जिसने बेटी के प्रेमी को लुटेरा बना दिया, जिसने मोहन की बहन का कत्ल कर दिया। मैंने एक गोरा पर गोली चलाई थी, रूपा को लग गई, इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ ठाकुर, आज का दिन तेरी पापों की सजा का दिन है। रुक जाओ, गिरफ्तार कर लो सबको, जाओ, भागने में पाए कोई। बेटा, तुम्हारा बेटा? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ, सगी माँ। तू एस वी देशपांडे का बेटा है। तेरे पिताजी ने तुझे कितना ढूंढा, सारी जिंदगी डाकुओं को ढूंढने में गुजार दी ताकि किसी तरह तेरा पता चल जाए। तुझे जग्गा डाकू पकड़ कर ले गया था। तुम मेरी माँ? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ। तू मेरी ममता का एक ही फूल है, मेरा इकलौता बेटा। बेटा बेटा, न जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो भगवान ने मेरी ममता का मोती मुझसे दूर कर दिया। नहीं माँ, पाप तो शायद मैंने किया होगा पिछले जन्म में, कि माँ की ममता के बजाय चंबल के चट्टाने मिले, पाप की उंगली पकड़ने के बजाय लोहे की बंदूकें। मैं उन चट्टानों की शक्ति को,
ममता के आंसुओं से नरम कर दूंगी, आंचल के पल्लू से बंदूकों के निशानों को मिटा दूंगी हमेशा के लिए। नहीं माँ, तेरी ममता में तेरे आंचल में वो शक्ति नहीं है जो मुझे माफ कर सके। माँ, मेरे पापों का एक ही अंजाम है, हथकड़ी या फांसी का फंदा। ना मुन्ना ना, परसों बाद मिल रहा है और मिलते ही मरने की। गोरा, कुछ हिसाब बाकी है ठाकुर, इसलिए शायद भगवान ने कुछ सांसें भी बाकी रखी हैं। ठाकुर, ये पहली चोट जिस खजाने को पाने के लिए तूने पुजारी का खून किया। मोहन जैसे शरीफ लड़के को डाकू बनाने के लिए ये दूसरी चोट। मेरी मां को उठवाने का और उसका दिल दुखाने के लिए ये तीसरी चोट। यह आखिरी चोट ठाकुर, मेरी रूपा की मौत के लिए। खबरदार गोरा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। गोरा का काम पूरा हो गया है, गांव वालों की अमानत और गोरा आपके सामने हाजिर है। एसपी को दी हुई चेतावनी पूरी नहीं करोगे? जो जुल्म जगह ने एक बाप के साथ किया है, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं अपने हाथों से खुद उसका गला घोट देता। कानून को खजाना और गोरा तो सौंप रहे हो, बाप को बेटा कब दोगे? पिताजी, पिताजी। बेटा, बेटा। ये तुमने क्या किया बेटा? इस बात का दुख क्या कम था कि बाप होकर भी बचपन में हम तेरी हिफाजत ना कर सके, और आज जब तू मिला है तो बाप की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। कुर्बान नहीं पिताजी, ये अपना फर्ज चुकाया है उस खून का जो इन रगों में दौड़ा है। आज पहली बार मेरी आत्मा को शांति मिली है, जीवन भर गुनाहों के दलदल में फंसा रहा। आपके कुछ काम आ सका, वही मेरा जीवन सफल हो गया। बेटा। नहीं माँ, ये माँ रो मत। मोहन, मोहन मेरे पास आ। आज मैं अपने हाथों से इसके खून का तेरे माथे पर तिलक लगाऊंगा, नहीं तो तेरी बहन है ना, मुझसे बहुत झगड़ा करेगी। मोहन, हो सके तो मेरे पिताजी और मेरी माँ का बेटा बन। बेटा